हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर ये है 6। और ये क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, ठीक है, ICSE की बुक से क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है क्या करने के लिए, इवैल्यूएट, ठीक है। अब इवैल्यूएट करना जो भी होता है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वही होगा इसका आंसर, वही होगा इवैल्यूएट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 14.4 और 22.5 और इसको कर दिया गया है रूट के अंदर और इसी को हमें सॉल्व करना है और लेके आना है इसका आंसर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए 14.4 है तो ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 14.4 को हम डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के प्लेस पे एक जीरो, डेसिमल के बाद डेसिमल के प्लेस पे वन, ये लगा दिया। और अब चलते हैं नीचे वाले के पास, 22.5 के पास। तो इसको हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के प्लेस पे वन डिजिट है, डेसिमल के पहले वन डिजिट है तो 10, डेसिमल के प्लेस पे 1 लगा दिया। अब इसको कर दिया है एक, रूट के अंदर क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां बच रहा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 144 डिवाइडेड बाय 225, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 144 इज डिवाइडेड बाय 225, इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, 12 जा 144 होता है तो ये हो गया 12। और नीचे बचा हुआ 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, तो 15 लिख देते हैं। अब इसका इसके ऊपर से रूट हट गया है, अब ये बन चुका है। अब इसको आगे और सॉल्व करना, यही आंसर हो सकता है लेकिन बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया गया है, इसको और एक्सपेंड किया गया है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12, 5 × 15। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.8 इसका आंसर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14.4 डिवाइडेड बाई 22/5 का रूट क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर। अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, लिखा है रूट के अंदर 0.225 डिवाइडेड बाय 28.9। तो रूट के अंदर लिखा है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है डेसिमल हटाएंगे, 0.225 को हम 225 लिख सकते हैं जब हम इसे हम डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डिजिट है 3 digit, तो 30 लगाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए 1 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 28.9 है, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के प्लेस पे 101 है, 1 digit है तो 10 लगाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1। तो अब हट चुका है डेसिमल इसका, तो ये हो चुका है इस तरीके से ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को 5 × 4 = 20 हो गया, 2 बचा 5 × 5 = 25 और ये हो गया 5 × 2 = 10, 200 हो गया। अभी और ये जाएगा, कटेगा, 9 × 45, 5 × 20 और 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अभी और इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम हमने और एक्सपेंड कर दिया ये इसको, तो हम 9/40 लिख सकते हैं और 289/10 है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो है 10 × 4 = 40 होता है ना, तो अब ये बच चुका है 9/4, ठीक है। तो इसको 9/4 लिख सकते हैं और 289/1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है 289 इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 9 जा
36, 4, 9, 36, 3 बचा 4, 4 32, 3, 36, 32, 3, 35, 3 बचा 4, 2, 8, 3, 11, 1156, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको आगे और लिखना चाहेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9/11 56, ठीक है, अभी रूट के अंदर रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका 1156 का 34 हो जाएगा, क्या 34, तो ये निकल चुका है आंसर। तो किसका, सेकेंड वाले का आंसर आया है 3/34, देख लेते हैं आंसर, हाँ 3/34, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, अब इसको ये वाला एक सॉल्व करते हैं, नीचे वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो मिटा दें इसको। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा है 25/32 2 13/18 और मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो रूट के अंदर जाओ, ये है 25, ये है 32, ये है मल्टीप्लाई 38 36 3 39 49/18 और 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के प्लेस पे कितना के बाद, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 20 और डेसिमल के प्लेस पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 25 1/4, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, अभी कुछ जाने वाला है, नहीं जाने वाला, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 को मल्टीप्लाई 49 और 1 के साथ, ठीक है, तो 49 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 45, 5 9 = 45, 4 बचा, 5 4 = 20 और ये 24, 2 4 2 9 = 18, 1 = 2 4 = 8, 1 9 ये है 5, 8 4 = 12 और 2 हो गया, 1 बचा, 9 2 = 11 = 12, ठीक है, 12 25 आ चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, तो ये हो गया 12 25, ठीक है, और इसका 32 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 18 2 36 18 3 54 18 4 72, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और जो उसका मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 2 7 = 14, ठीक है, 3 2 = 6 हो गया, 3 7 = 21, 3 7 = 21, ये 4 हो गया, 6 10 हो गया, 0 हो गया, 1 बचा, 1 1 2 1 3 हो गया और 2, ठीक है, 23,000 4, ठीक है, ये 2304, तो ये आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर करेंगे और इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कर देंगे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 1225 का, तो क्या हो जाएगा, 3 4 = 12 हो गया, नहीं जाएगा, 4 से नहीं तो 5 से जाएगा, 5 2 = 10 हो गया, 5 4 = 20 हो गया, 5 5 = 25 हो गया, ठीक है, और 5 से फिर जाएगा, 5 4 = 20, 5 5 9 = 45, अब 7 7 = 7 1 = अब क्या, तो इसका बन चुका है 5 × 5 7 × 7, तो 5 का एक बार और 7 का एक बार, 5 7 = 7 5 = 35, ठीक है, तो इसका क्या आ गया है 35, 1225 का स्क्वायर रूट 35 और 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है, 2304, ठीक है, तो निकालते हैं इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 से चला जाएगा, 2 1 2 2 1 2 1 2 5 10 2 2 4, ठीक है,
टू फाइव ज़ा टेन, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू टू ज़ा फोर, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा टू, ठीक है, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू टू ज़ा फोर, टू टू थ्री ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, एटीन, टू नाइन ज़ा, थ्री थ्री ज़ा, और थ्री, और थ्री का थ्री वन जा, ठीक है। अब इसका यहाँ यहीं बना लेते हैं पेयर, वन टाइम टू थ्री फोर, एक थ्री यहाँ, एक थ्री यहाँ, और मतलब कि वन टू थ्री फोर, फोर टाइम क्या है, टू है, और यहाँ इसका थ्री यहाँ, थ्री यहाँ, थ्री का पेयर बन रहा है, तो कितना हो गया, दो दून चार, दून आठ, दून सोलह, तीन अड़तालीस, ठीक है। तो ये गया 48, तो ये है इसका इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, ठीक है, 35/48 ये आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, तो यही आंसर है, और एग्जैक्ट इसके जैसा ये वाला भी, इसको अभी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज के वीडियो में इतना ही, बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब।